फ्रेंड्स, तो अब हम ये प्रॉब्लम देख रहे हैं, इसको सॉल्व करेंगे। एक बार पढ़ लेते हैं। एल सॉरी एबीसी प्रोड्यूस थ्री प्रोडक्ट एक्स वाई एंड जेड। द कैपेसिटी ऑफ एबीसी प्लांट इज रिस्ट्रिक्टेड बाय प्रोसेस अल्फा। प्रोसेस अल्फा इज एक्सपेक्टेड टू ऑपरेशनल फॉर 8 आवर्स पर डे एंड कैन प्रोड्यूस 1200 यूनिट ऑफ एक्स पर आवर्स और 1500 यूनिट्स ऑफ वाई पर आवर्स और 600 यूनिट ऑफ जेड पर आवर्स। और पे जरा अंडरलाइन करें, और है ये, ध्यान रखिएगा। ओके, ये सेलिंग प्राइस है, ये मटेरियल कॉस्ट है, थ्रोपुट कंट्रीब्यूशन दिया है, कन्वर्जन कॉस्ट हमारी ये दी हुई है। कैलकुलेट प्रॉफिट पर डे इफ डेली आउटपुट, ये दो बार है, ये डिलीट कर दें, ये बुक में टाइपिंग एरर है। तो इफ डेली आउटपुट इज अचीव्ड, इज डेली आउटपुट अचीव्ड, ये पूरा डिलीट करें, इफ डेली आउटपुट अचीव्ड इज 6000 यूनिट ऑफ एक्स, 14500 यूनिट ऑफ वाई एंड 1200 यूनिट ऑफ जेड, डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ बॉटलनेक रिस प्रोसेस गिवेन। ओके, कैलकुलेट द टी ए रेशियो ऑफ ईच प्रोडक्ट इन द केस ऑफ डिमांड रिस्ट्रिक्शन फॉर एंटायर थ्री प्रोडक्ट, एडवाइज मैनेजमेंट ऑन द ओरिजिनल प्रोडक्शन प्लान। सिंपल सी प्रॉब्लम है, सॉल्व करके देखते हैं इसको। ठीक है, एक तो हमें ये देखना है कि भी हमारा थ्रूपुट कॉन्ट्रीब्यूशन है कितना। ठीक है, तो पहले हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। हमारे तीन प्रोडक्ट हैं एक्स वाई जेड, इनकी हमें क्वांटिटी दे रखी है 6000, 4500, 1200। हमको ये भी लिखा है थ्रोपुट कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इसका 80 है, इसका 80 है, इसका 200 है। तो टोटल थ्रोपुट कितना हुआ, इसका 4,80,000, इसका 3,60,000, इसका 2,40,000। टोटल करेंगे हम तो ये हो गया हमारा 10,80,000। लेस करेंगे हम इसमें से कन्वर्जन कॉस्ट 7,20,000 की, तो जो हमारा प्रॉफिट है वो आ गया हमारा 3,60,000। तो इन्होंने बोला था नेट प्रॉफिट पर डे, क्यों, क्योंकि ये डेली क्वांटिटी है, डेली आउटपुट है, ये एक दिन का आउटपुट। तो ये हो गया मेरा आंसर ए। अब क्या पूछा था इन्होंने दूसरा, डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ द बॉटलनेक रिसोर्स। ओके, बॉटलनेक प्रोसेस चाहिए मुझे, इसकी एफिशिएंसी चाहिए। ठीक है, तो ये मैं बनाऊंगा स्टेटमेंट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ बॉटलनेक प्रोसेस। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन होता नहीं है, इसलिए आप जरा इसे ध्यान से समझिए। एक्स वाई जेड तीन प्रोडक्ट है मेरे, इन्होंने क्या बताया है, जो एक्चुअल क्वांटिटी है
पर डे की, वो एक्स की 6,000 है, इसकी 4,500 है और इसकी 1,200 है। बजटेड आउटपुट पर आवर क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए बजटेड आउटपुट पर आवर्स, ऊपर देखिए 1200 एक्स के हैं, 1500 वाई के हैं और 600 जेड के हैं। तो 1200 तो एक्स के हैं, 1500 वाई के हैं एंड 600 जेड के हैं। स्टैंडर्ड आवर या बजटेड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट कितने हैं? इसके लगे सर 5 घंटे, इसमें 3 घंटे लगे, इसमें 2 घंटे लगे। तो टोटल जो मेरे स्टैंडर्ड आवर लगे वो कितने लगे? 10 घंटे। और एक्चुअल आवर कितने हैं? 8 घंटे में लिखा है कि 8 घंटे काम करता है। ये देखिए लिखा है, इसका मतलब क्या है कि हमने 8 घंटे में इतना यूनिट तैयार कर दिया जिसके लिए 10 घंटे लगते। एफिशिएंसी स्टैंडर्ड आवर फॉर एक्चुअल आउटपुट अपॉन एक्चुअल आवर फॉर एक 125% की सर एफिशिएंसी होगी। ठीक है सर, अब आगे बढ़े। कैलकुलेट द टीए रेशियो फॉर ईच प्रोडक्ट। तो अब मुझे थर्ड पार्ट करना है इसका, थर्ड पार्ट करना है मुझे टीए रेशियो। इसको जरा समझ लें, ये थोड़ा सा मोशन ऊपर नीचे है। पहले चौथा पॉइंट पढ़े। इन द केस ऑफ डिमांड रिस्ट्रिक्शन फॉर थ्री प्रोडक्ट, पहले ये पढ़े। इन द केस ऑफ डिमांड रिस्ट्रिक्शन फॉर थ्री प्रोडक्ट्स एडवाइज मैनेजमेंट ऑन द ओरिजिनल प्रोडक्शन प्लान। तो पहले मैं इसका डी पार्ट कर रहा हूं, डी से ही आपको सी समझ में आएगा एक्चुअली। ठीक है, तो क्वांटिटी क्वांटिटी जो है इन क्वांटिटी पर डे, मैं इसको बोलता हूं मैक्सिमम क्वांटिटी पर डे अगर देखें तो कितनी होगी, किसकी? एक्स वाई नहीं, इसको एक काम करते हैं फ्रेश पेज पे करते हैं, जगह कम पड़ेगी। चलिए यहां देखो, पहले हम देख रहे हैं चौथा आंसर, मैक्सिमम क्वांटिटी पर डे एक्स वाई जेड है,
तो देखिए, इन्होंने बोला था कि 1200 यूनिट है 8 घंटे में, और 1500 यूनिट 8 घंटे में, और 600 यूनिट 8 घंटे में, यही बोला था। तो या तो हम 9600 यूनिट एक्स की बना सकते हैं, या 12000 यूनिट वाई की बना सकते हैं, या 4800 यूनिट जेड की बना सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद थ्रोपुट जो था हमारा पर यूनिट कितना था, 80, 80, 200, 80, 80, 200 था। तो मैक्सिमम थ्रोपुट कितना हो सकता है, मल्टीप्लाई करो जरा। इसका आएगा 7,68,000, इसका आएगा 9,60,000, और इसका भी आएगा 9,60,000। कन्वर्जन कॉस्ट क्या है, 7,20,000, 7,20,000, 7,20,000। सो टीए रेशियो क्या कहता है, टीए रेशियो दैट इज थ्रोपुट पर रुपीज ऑफ कन्वर्जन कॉस्ट। मुझे 1 रुपए में कितना कंट्रीब्यूशन या थ्रोपुट मिल रहा है, तो देखेंगे इसमें 1.33, इसमें 1.33 और इसमें 1.07। तो रैंकिंग क्या आएगी, ये दोनों मेरी फर्स्ट रैंक है, इसकी रैंकिंग सेकंड है। सो इन केस ऑफ डिमांड रिस्ट्रिक्शन मैनेजमेंट कैन सेल प्रोडक्ट वाई और जेड, ठीक है ना, प्रोडक्ट वाई और जेड। तो ये जो आंसर था ये थर्ड और फोर्थ का दोनों को मिला के है, यहां तक आंसर 3 हो गया और ये आपका आंसर 4 हो गया। ठीक है, इन्होंने बोला था टीए रेशियो निकालिए, तो टीए रेशियो हमने निकाल लिया इंडिविजुअल, क्योंकि ये वर्ड यूज किया था, या तो एक्स बना सकते हैं या वाई बना सकते हैं या फिर जेड बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने बोला था ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट कर देते हैं। देखिए एफिशिएंसी वाला भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा पूछा गया था, नॉर्मली ऐसा पूछा नहीं जाता। ठीक है सर, थैंक यू।